हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वापस आज को आपके लिए नई वीडियो लेके, एंड इस वाली वीडियो में हम बने हैं एम्प्रेस। मगर ये कोई नहीं बोला काइटो की वीडियो अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कब तक आई काइटो की वीडियो। तो फिलहाल एम्प्रेस की वीडियो देख लो, क्योंकि तुम्हें एम्प्रेस भी बहुत पसंद है, ये बात मेरे को पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे इसी वीडियो पे आए थे। ये कोई नहीं बोलेगा कि व्यूज़ के कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं व्यूज़ के कारण ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और मेरे को ये पिछली वीडियो में पता चला था, लेकिन मैंने नहीं बोला था, लेकिन इसमें बोल रहा हूँ कि एम्प्रेस का जो समन कूलडाउन है वो किल कूलडाउन से 10 सेकंड ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे को नहीं पता कि जनरेटर का जो कूलडाउन होता है वो शायद, अगर तुम लोग को लगता है कि मैं गलत हूँ तो बता देना, लेकिन शायद के किल कूलडाउन और क्लीन कूलडाउन दोनों बराबर होते हैं। तो इसी बात पे कमेंट भी कर देना कि ये सही है कि गलत। वो बात अलग है, ये सही है, लेकिन मैं तुम लोग से कमेंट करवाने के लिए नौटंकी कर रहा हूँ। लेकिन ये बात तो कोई नहीं जज करेगा कि मैं कमेंट का लालची हूँ, लेकिन हूँ, मेरे को क्योंकि पसंद है यार तुम लोग कमेंट पढ़ना। प्लीज़ कर देना कमेंट। कमेंट के भीख मांगने के साथ साथ इन्होंने मीटिंग बुला ली। मतलब इन लोग कितने बड़े वाले बददिमाग हैं, मगर ये कोई नहीं बोलेगा कि इनसे कम दिमाग मेरे पास है। प्लीज़ खुद के बेइज्जती कराना कोई मेरे से सीखे। एंड अब मैं ट्राई करूँगा कि इस मीटिंग के अंदर ही मैं ये गेम ख़त्म कर दूँ। तो अगर तुमको जानना है कि मीटिंग में गेम ख़त्म हुआ कि नहीं, तो पूरी वीडियो देखो, ऐसे भी देखना प्लीज़। नहीं भी जाना है तभी पूरी वीडियो देखना। एंड अभी भी ना जाने क्यों, एक बात बताना, एम्प्रेस का ये जो कूलडाउन है ये क्या काम का है। मतलब अगर बंदे मेरे बगल के ही रूम में, तो जाके नहीं मार सकता वहाँ, ज़रूरी है बगल से समन करना। और देख लो मैं कितना समझदार हूँ, बगल वाले रूम के बंदे को बंद कर रहा हूँ रूम में, क्या कर रहा हूँ मैं, वो छोड़ो। ये एम्प्रेस का काम है, तुमको पता है ना। एंड फिर से मैंने सारे गेट बंद कर दिए, सारे क्या, मैंने सिर्फ कैफेटेरिया गेट बंद कर दिया, क्योंकि बाकियों के तो मैंने पहले से गेट बंद किए थे। लेकिन हाँ, गेट बंद करके किल करने का आइडिया बहुत अच्छा था, तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो हर रोल के साथ। मगर हाँ, स्पाई के साथ कभी ट्राई मत करना, वरना स्पाई की तो लंका लगनी है, क्योंकि वो वेंट नहीं कर सकता। जो वेंट कर सकते हैं उनमें तुम ये ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं अपने टॉपिक पे से कितना जल्दी भटक गया ना, एम्प्रेस से मैं कहाँ चला गया, तो वो चीज़ को छोड़ो। और हाँ, गेम में जोकर भी है, तो मैं सोच ही रहा था कि जोकर कौन है, तो वाइट मेरे सामने आ गया। मतलब क्या शौक चढ़े हैं वाइट को, उसने क्या सोचा कि मैं उसको वोट आउट करवाऊँगा, इम्पोस्टर से पंगा ले रहा है ये बंदा। लेकिन मेरे को तो समन करके किल करने का भूत सवार था, इसलिए मैंने यहाँ पे खड़े होकर सियान को समन करके किल किया। बट एक चीज़ बताना, जो बंदे वेंट में होते ये उनको क्यों नहीं खींचता, वरना सबसे पहले इन जोकरों की लंका में लगाता। भाई हमेशा ये लोग वेंट में घूमते रहेंगे, इनको चैन नहीं है। और जब ये वेंट से निकलते हैं तो मैं नहीं, लेकिन कई सारे इम्पोस्टर हो सकते हैं, पैनिक करके उनको निकलवा दे। और मैं डोर बंद करने के कारण कब मेरे पीछे पर्पल आए ये मेरे को नहीं पता चला, और ना जाने क्यों ये मेरे पीछा करा था। लेकिन ऑरेंज क्या हैकर है, वो दीवार के आर पार गया। इसका जवाब जानने के लिए देखते रहिए मिस्टर वाइट जैक, ऑफकोर्स। एंड मैंने ब्लू को भी समन करके किल किया, जैसा कि मैंने लेकिन बोला है कि मैं समन किल चैलेंज करूँगा, नहीं बोला है, मगर हाँ मैं समन किल चैलेंज ही कर रहा हूँ। तो मैं सबको समन करके मारूंगा, चाहे वो मेरे बगल में क्यों ना हो। और दूसरी बात कि कभी भी अगर तुम कहीं समन कर रहे हो जिन्होंने एम्प्रेस खरीद रखा है, क्योंकि हम लोग को तो ऐसे ही रैंडम रोल में ही एम्प्रेस मिलता है, और जिनको एम्प्रेस से खेलना है तो वो रैंडम रोल खेल सकते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एम्प्रेस मिले। तो मेरे को आए दिन मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे, बट मैं आखिरी समन करते के साथ ये गेम यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, और शायद अगली वीडियो काइटो पे हो, वरना फिर से मैं बोल दूँगा कि कुछ बहाने दे दूँगा, ऐसा मत सोचना। मैं ट्राई करूँगा, मतलब 100% नहीं बोल सकता, मगर 90% मैं बोल रहा हूँ कि काइटो की वीडियो आएगी। तो बाय बाय।